बाहुबली तो भी खाते चिप्स के साथ बर्फ। तो ये वाला रोड जो गया ये क्या तारती मंदिर के लिए, और अभी हम जा रहे हैं शिव मंदिर। ये कच्चा रोड जाता है शिव मंदिर के लिए, और साथ में अपने भाई लोग। आराम से आराम से। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुबह के बज रहे अभी 11, और अभी हम लोग जाते हैं शिव मंदिर जो कि है तार देवी के साथ, क्योंकि जो तार देवी मंदिर है उसके जंगल वाली साइड में है शिव मंदिर। तो अभी आप लोग रास्ता देखिए, बहुत ही हैवी स्नोफॉल हुआ है इस साइड, और अभी भी ऐसा ही है क्योंकि ऊपर है जंगल पूरा, धूप आती नहीं है इसमें, और ये तकरीबन 10-15 दिन तक तो ऐसे ही रहेगी बर्फ। तो फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग शिव मंदिर। बर्फ तो देखिए अब यार कितनी होगी, कितनी होगी रोहित भाई? तो ये है छोटा सा मंदिर शिव मंदिर। बहुत सारे लोग तारदेवी मंदिर आते हैं, लेकिन यहाँ बहुत कम लोग आते हैं, ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं है। और वो देखिए पार्क की तरफ शिमला। तो अगर आप लोग तारदेवी मंदिर आ रहे हो तो यहाँ पे जरूर आए। छोटा सा मंदिर है और जंगलों के बीच है सारा ही ये मंदिर। जो ये वाला रास्ता ये आता है तारा देवी मंदिर, और ऊपर की तरफ है वहाँ तारा देवी मंदिर। वहाँ से तकरीबन 10-15 मिनट लगते हैं नीचे आने के लिए शिव मंदिर के लिए, और बहुत ही प्यारा मंदिर है ये शिव मंदिर। बाकी आप लोग यहाँ बर्फ देख सकते हैं कितनी सारी है यहाँ बर्फ, और रास्ता तो देखिए आप, स्नो ट्रैकिंग हो जाएगी आप लोग की इसमें। अभी हम लोग चल पड़े हैं शिव मंदिर से, यह शिव मंदिर यहाँ से ऊपर को जो तार देवी के लिए रास्ता है ये भी है सारा जंगलों वाला। तो काफ़ी सुंदर मंदिर है ये नीचे शिव मंदिर। अभी जा रहे हैं सारे बर्फ खेलते हुए,
की भी थोड़ी कम है, हाँ नीचे काफ़ी ज़्यादा है, पर तकरीबन 1-1.5 फुट होगी। तो रास्ता आप लोग देखिए, बिल्कुल ही खड़ी चढ़ाई। तो बर्फ देखिए आप लोग, यहाँ अब कोई ज्यादा लोग चले भी नहीं है, अभी सिर्फ हम ही है और हम ही रास्ता बनाते हैं सामने, और ये चली गई मस्ती। तो कुछ ऐसा ही काम चला हुआ है नीचे से लेकर शिव मंदिर से लेकर, मतलब आधा एक घंटा में हो गया है, अभी भी चले गए हैं और हर 2 मिनट बाद ऐसा ही काम। और ये देखिए आप लोग रोड, ये जाता है ऊपर तारदेवी में जो टावर है, इसमें मोटी ऑफ रोडिंग हो सकती है। देखिए रास्ता आप लोग, तकरीबन 2 फुट बर्फ है और इसमें सिर्फ हम ही 6-7 लोग। तो अभी हम आ गए हैं इस रास्ते से, ये पहुंचा सड़क को, वैसे हमें निकलना था दूसरे रास्ते से जो कि निकलता है परे जहाँ कुश्ती होती है मेले के टाइम। फाइनली पहुंच चुके हैं हम एक बार फिर से तारदेवी मंदिर, और ये देखिए बर्फ में आप ब्यूटी तारदेवी मंदिर की। पहले इस रास्ते से आना था, पर हमने थोड़ा गैप ले लिया और ऊपर की तरफ चले गए। तो तारदेवी मंदिर से हम लोग आ चुके हैं, अब जा रहे हैं हम दूधाधारी मंदिर जो कि है ये सामने, मैंने पिछली वीडियो में ही बताया था, वैसे जिनने नहीं देखा उनके लिए मैं और बता रहा हूँ। तो देखिए ये है बर्फ में कुछ भी हो, अभी थोड़ी यहाँ बर्फ कम हो गई है क्योंकि यह है सनी साइड, धूप लग रही है यहाँ बढ़िया, यहाँ पिघल गई से को बर्फ और पानी काफ़ी इकट्ठा हो गया है।
अभी जा रहे हैं यहाँ से हम साइड की तरफ, वहाँ से दिखाएंगे आप लोगों को शिमला का व्यू, और बर्फ भी वहाँ ज़्यादा होगी। तो ये जो नीचे से रास्ता जाता है, ये जाता है तारदेवी स्टेशन, जो NH पे जो तारदेवी स्टेशन है वहाँ के लिए ये रास्ता जाता है। आप वहाँ से भी आ सकते हो, वो थोड़ा लंबा ट्रैक पड़ता है। और यहाँ पर लगे हुए सेल फोन के टावर कुछ एक यहाँ पर है, और बाकी आगे की तरफ है, वहाँ भी हम लोग जा रहे हैं। बाकी आप लोग तो अब आप लोग देखिए यहाँ पर इतनी ज़्यादा बर्फ है। मैं पिछली बारी भी आया था, टाइम थोड़ी कम थी, लेकिन इस बार तो बहुत ज़्यादा है। और आगे की तरफ यहाँ तो ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है। तो यहाँ से देखिए शिमला का व्यू कितना प्यारा रहता है शिमला। और ये जगह तो अच्छा लगी है, ये देखिए मेरे पैर घुटने तक जा रहे हैं। ये देखिए बंदे तो मान ही नहीं रहे, मतलब नीचे से शुरू हो गए सुबह से और अभी तक एनर्जी कायम। भर्ती की तैयारी हो रही है पहाड़ी कमांडो। बर्फ में और भाई भी काफ़ी सारे फ्लिप मार रहे हैं। और आगे की तरफ भी आप लोग देख ही चुके होंगे, अब देखते हैं कब तक चलता है हमारा पैसा पूरा। बाकी जूते तो अब गिल्ले होने लग गए, लेकिन मज़ा आ रहा है बहुत। आई होप आप लोग को भी मज़ा आ रहा होगा। क्या बोल रहे हैं भाई? यो मैन, मैं सही हो रहा। भाई लोग अब बना रहे हैं यहाँ शिवलिंग, और वो भी पूरे बर्फ का। तो अगर आप लोग आ रहे हो ना पहाड़ों में, तो ऐसा मत करो, हर कहीं मत फेंको कचरा, इसे हम ले जाएंगे अपने साथ वापस। बाहुबली फाइनली एक घंटे की मेहनत के बाद सभी भाई लोगों ने बना दिया है शिवलिंग। ये देखिए शक्ल रख लीजिए इनकी याद, ये तो सबसे मेन मेन मिस्त्री है हमारे। इनका लगे रहे एक घंटे तक, इन्होंने हाथों में देखिए कांटेक्ट करें इनसे। ये देखिए सारे भाई लोग।
तो अब लेंगे इसके साथ हम सेल्फी और फोटो वगैरह। देखिए इस तरह। बाकी आप लोगों को कैसा लगा? हर हर महादेव। आप बता सकते हैं अपनी राय। हर हर महादेव। अगली बार ये इग्लू बनाएंगे आप। क्यों भाई साहब? इग्लू बनाएंगे अगली बारी। हाँ। अभी क्या ही करना खड़ा। बर्फी बर्फ। तो बस आज की इस वीडियो को रखते हैं इतना ही। अभी जा रहे हैं हम यहाँ से वापस घर की ओर, और इस वीडियो को भी यहीं ख़त्म करते हैं इस प्यारे से व्यू के साथ। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, और ये देखिए, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।